कि हमारी आंगनवाड़ी से गैर विभागीय कार्य कराया जाता है। फिर मतलब हमें समझ नहीं आ रहा हम अपना काम करें या दूसरे विभाग का करें, अभी तो आज तक हमें ये नहीं पता चला हम किस विभाग से जुड़े हुए हैं। याद आया का हमारी बहन इतना अच्छा कार्य कर रही, कम से कम 1000 रुपए तो बढ़ा दिया योगी सरकार। मैं कह रही थी कमलेश जल्दी वेतन सहित तमाम मांगों को लेकर आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ती कलेक्ट्रेट पहुंची है, उनसे बात करेंगे। जी आपका नाम? नरेंद्र दास शर्मा, जिला संरक्षक। जी हमारी सर आंगनवाड़ी की कुछ समस्याएं थी कि हमारी आंगनवाड़ी से गैर विभागीय कार्य कराया जाता है, जबकि 6 सेवाएं इनकी अपनी हैं। उसके अलावा जो है स्वास्थ्य विभाग का कार्य है, BLO का कार्य है, और जिस कार्य को केंद्रीय राज्य के कर्मचारी करने में फेल हो जाए वो कार्य भी आंगनवाड़ी से जबरदस्ती कराया जाए। यदि मान लो आंगनवाड़ी बिचारी मने करें तो इन्हें सेवा समाप्ति की धमकी दी जाए, और कुल 4500 रुपये हमें केंद्र की सरकार मानदेय देती है, 1000 रुपये राज्य की सरकार दे रही। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग हमारे से कभी संचारी रोग, कभी पता नहीं कितनी बीमारियां रोज पैदा हो रही हैं, पोलियो तक के पैसा हमारा नहीं है, AAA का पैसा हमारी लड़कियों का नहीं, केवल एक ब्लॉक में मिला, बाकी पूरे जिले का पैसा आज तक नहीं दिया गया। हमने 1 महीने पहले DM साहब, जो पूर्व DM साहब थे, उन्हें ज्ञापन भी दिया था, उन्होंने CMO को तलब भी किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हमारी किसी आंगनवाड़ी का कोई पैसा नहीं आया, कोई पैसा नहीं बढ़ाया। जिस समय भाजपा सरकार 2017 में भाजपा सरकार ने अपने संकल्प पत्र में ये वादा किया था कि हम आपका सम्मानजनक मानदेय करेंगे, 7 साल हो गए, अब तक ना सम्मान है ना मानदेय है, 1 रुपया नहीं बढ़ाया। और भी लोग हैं, आपका नाम? जी गीता शर्मा, रामपुर ब्लॉक अध्यक्ष। आप बताइए क्या करना चाहेंगे? हमारी भी यही मांग है, अभी एक नया नया काम हमारे ऊपर स्वास्थ्य विभाग ने अपने आशाओं के ऊपर से उतार कर वो भी हमारे ऊपर डाल दिया, जैसे ये मातृवंदन योजना, अभी हम उनके फॉर्म भराएंगे जो गर्भवती लेडी हैं, फिर उनको जमा करेंगे, फिर मतलब हमें समझ नहीं आ रहा हम अपना काम करें या दूसरे विभाग का करें, अभी तो आज तक हमें ये नहीं पता चला हम किस विभाग से जुड़े हुए हैं, कम से कम ये तो पता लग जाए कि हमें करना क्या है। वेतन की बात कर रहे थे आप लोग, समान वेतन उत्तराखंड और हरियाणा की? जी वो सब जगह वेतन बढ़ चुका है, उत्तरांचल में 12,000, दिल्ली में भी 10+ कुछ है, हमारे यहाँ काम ज्यादा है और पैसा कुछ नहीं है हमारा। हमें आज तक यही नहीं पता चला हमें मिल कितना रहा है, आज तक हमें यही नहीं पता चला हमें मिल कितना, कभी हमारे 4500, कभी हमारे 5.5, कभी हमारे 3, कभी हमारे 2, मतलब आज तक हमें यही नहीं पता लगा हमें मिल क्या रहा है। और लोग भी हमसे भी बात करेंगे, आपने कोई समस्या बताई थी? सर यही हमारी समस्या है कि अभी ग्राम विकास का जो काम है इसका गाँव-गाँव में नेम प्लेट लगा रहे, उसमें भी हमारी आंगनवाड़ी को 9 बजे से 4 बजे तक अपने साथ रखते हैं, बताइए कैसे काम करेगी फिर वो, अपना विभाग का काम करेगी या उन लोगों का काम करेगी? अध्यक्ष भी है आप, जिला अध्यक्ष हैं पूनम जी, आप बताइए। जी हमारी सबकी यही मांगे हैं कि हमारा वेतन भी एक समान होना चाहिए सभी राज्यों में, क्यों 10+ ही है सभी राज्यों में पैसा, और हर साल 1000 की वृद्धि होती है। प्रधानमंत्री जी की 2 योजनाएं चली गई लेकिन 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया गया, काम पे काम बढ़ाया जा रहा दिन पर दिन, और अब मातृवंदन योजना, संचारी रोग और स्वास्थ्य विभाग के अन्य कार्य हम लोगों पर थोपे जा रहे हैं जिनका 1 रुपया भी हमें नहीं मिलता। 1500 रुपये हमारे बढ़ाए थे PLI के प्रोत्साहन राशि के, लेकिन वो भी निर्भर अधिकारियों के ऊपर करते हैं। मान लो किसी लड़की से पोषण ट्रेकर चलाना नहीं आ रहा क्योंकि वो उस पे उसके पैसे कट जाते हैं, वो उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर है, वो सोच रहे हैं हम कि हमारे मानदेय में लगा दिया जाए 1500 रुपये जो हमारे। पहले भी आपने कोई मांग पत्र दिया है? हाँ जी पहले भी हमने मांग पत्र दिया था, कई बार दे चुके हैं हम DM सर को, और हमने इनके CMO सर के पास भी भेजा था एक मांग पत्र, और उन DM सर ने उनको CMO को तलब भी किया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। और भी कार्यकर्ता हमसे बात करेंगे, आपका नाम? सर हम तो यही चाहेंगे कि सबका जो सब जगह काम एक सा है तो सब जगह वेतन भी एक सा होना चाहिए, सभी जगह वेतन की मांग सब लड़की बराबर रख रही है, काम सभी करती हैं, उसी काम को हम कर रहे हैं, उसी काम को उत्तराखंड वाली कर रही है, हरियाणा वाली कर रही है, हमारा वेतन सबसे कम क्यों है? बस हमारी यही मांग है कि काम सबका जब बराबर तो सबका वेतन भी एक समान होना चाहिए। आप बताइए आपका नाम? हेलो मेरा नाम कमलेश है, गांव जंदेड़ी है, बलियाखेड़ी ब्लॉक है। मैं तो यही कहना चाह रही जी, जब तीन योजनाओं से तो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं, 500-500 बढ़ते, 1500 बढ़ जाते, और 10 साल से हमारे योगी जी हैं, अगर 1000 रुपये राज्य सरकार जो भी हमारी बहने इतना अच्छा कार्य कर रही है, जो मतलब 0 से लेकर शिखर तक सारे लाभार्थियों को लाभ पहुंचा रही है, और कोई काम से भी जब भी बुलाते हैं जो भी पीछे नहीं हट रही है, क्या सरकार ने इतना भी नहीं याद आया का हमारी बहन इतना अच्छा कार्य कर रही, कम से कम 1000 रुपये तो बढ़ा दिया योगी सरकार। मैं कह रही जी कमलेश जंदेड़ी, हाँ, और ये है ना सभी के अंदर जितनी भी लड़कियां हैं सभी के अंदर हमारे राज्य सरकार के प्रति बहुत ज्यादा
वो है रोष है, और इसलिए मेरी भाई साहब पत्रकार बंधु आपसे प्रार्थना है कि चैनल पर जो भी न्यूज ले जाए उसने ज्यादा से ज्यादा शेयर करे, क्योंकि सारी लड़कियां इतना अच्छा कार्य कर रही, इन्हें संतोषजनक मानदेय नहीं दिया जा रहा। हरियाणा सरकार राज्य पड़ोसी राज्य 14,000 दे रहा, और हमारा मध्य प्रदेश 15,000 दे रहा, और मध्य प्रदेश के वो भी भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार ने क्या कहा है, साल 1,000 रुपए बढ़ाएंगे, क्यों हमारी या राज्य सरकार क्यों नहीं बढ़ा रही, इन्हें भी तो बढ़ाना चाहिए। यही तो काम है, आंगनवाड़ी सेम कार्य करती है, किसी पूरे देश में एक स्कीम है। हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने 1975 में ये योजना चलाई थी, और जब से सेम काम हमारी आंगनवाड़ियों का है, यही हमारी सेवाएं हैं। लेकिन तब भी ये सौतेला व्यवहार राज्य प्रति राज्य क्यों हो रहा है, जबकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने ये सोचना कहना चाहिए और इस बात पर अमल भी करनी चाहिए कि जब ये केंद्र सरकार की स्कीम है, किसकी स्कीम है, केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार ने WHO की तरफ से एक गरीब तबके के लिए, गरीब बहने रखी, गरीब बच्चों के लिए एक डेवलपमेंट मान ले फूड प्रोसेसिंग का ये काम लिया, जिससे कि हमारा कुपोषण दूर हो। लेकिन कुपोषण दूर करते 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 हमारी सारी बहने और इनके बच्चे कुपोषित हो। और लोग भी उनसे बात करेंगे। आपका नाम? सर मेरा नाम क्षमा परवीन, मैं 27 वर्षों से आंगनवाड़ी में कार्यरत हूँ। एक लंबा अरसा हो गया इसमें कि जब सरकार कोई योजना बनावे तो आंगनवाड़ी से जमीन पर उतारेगी, गांव-गांव में घर घर में जा करके आंगनवाड़ी याद आवेगी उनके, और इलेक्शन आवेगा जब आंगनवाड़ी याद आवेगी, लेकिन जब बजट बने जब आंगनवाड़ी वहां से गायब हो जा। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आई हुई है। इनकी मांग है कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए और हमारे से सिर्फ हमारे ही काम को लिया जाए। शेष यूपी के लिए सहारनपुर से सैयद मशकूर। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।